गुड मॉर्निंग टू ऑल, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में फैमिली ग्रामिनी को हमने फिनिश किया था। आज हम एक न्यू फैमिली स्टार्ट करेंगे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नई फैमिली सोलेनेसी। आज मैं बात करूंगा फैमिली सोलेनेसी की कि जो फैमिली सोलेनेसी है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे फैमिली सोलेनेसी। तो जो सोलेनेसी फैमिली है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? डटूरा फैमिली से। कौन सी? डटूरा फैमिली से। क्या करता है ये? इसको हम क्या बोलते हैं? डटूरा फैमिली भी बोलते हैं। जो सोलेनेसी फैमिली है इसको हम क्या बोलेंगे? डटूरा फैमिली भी बोलते हैं। जो फैमिली सोलेनेसी है इसको हम क्या बोलते हैं? डटूरा फैमिली भी बोलते हैं। तो जो फैमिली सोलेनेसी है, जो हमने फैमिली ग्रेमिनी पढ़ी थी, फैमिली पोएसी पढ़ी थी, वो क्या थी? मोनोकोटिलिडन से बिलोंग करती थी। लेकिन वापस हम किस पे मूव कर गए? डाइकोटिलिडन पे। जो सोलेनेसी फैमिली है वो बिलोंग करती है डाइकोटिलिडन से। और हमने जो पोएसी पढ़ा था सिर्फ एक फैमिली, अभी पोएसी ग्रेमिनी जो पढ़ी है वो कहां से बिलोंग करती है? मोनोकोटिलिडन से बिलोंग करती है। लेकिन सोलेनेसी वापस क्या करती है? डाइकोटिलिडन से क्या करती है? बिलोंग करती है। अब इसके अंदर जो है फैमिली सोलेनेसी, इसके अंदर टोमेटो भी आएगा, टोमेटो भी हम इसी के अंदर आता है, पोटेटो भी इसी के अंदर आता है, और जो चिली है वो भी क्या आती है? इसी के अंदर आती है जो फैमिली सोलेनेसी है। और क्या आता है? ब्रिंजल है, तो ब्रिंजल भी इसी के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें जो हम वेजिटेबल्स के रूप में यूज करते हैं, चाहे वो टोमेटो फैमिली हो, अगर आपको कोई पूछे पोटेटो फैमिली, तो पोटेटो फैमिली क्या है? सोलेनेसी तो है पोटेटो फैमिली। और टोमेटो हो गया, पोटेटो हो गया, चिल्ली हो गई, ब्रिंजल हो गया, बैंगन हो गया, मिर्च हो गई, पोटेटो है, टोमेटो है, तो ये सब जो है वो फैमिली सोलेनेसी से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। जो हम वेजिटेबल के रूप में हम इनका क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो फैमिली सोलेनेसी को हम बोलते हैं डटूरा फैमिली, बोलेंगे इज आल्सो कॉल्ड डटूरा फैमिली। और ये डाइकोटिलिडन्स का ही क्या है? एग्जांपल है। कौन? फैमिली सोलेनेसी। तो अब इसके हम सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करते हैं। सबसे पहले कि इसका सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, तो सिस्टमैटिक पोजीशन की अगर हम बात करेंगे, तो सिस्टमैटिक पोजीशन में जो फैमिली सोलेनेसी है ये क्या है? एंजियोस्पर्मिक है, है ना? एंजियोस्पर्मिक है क्योंकि फ्लोरिंग प्लांट है, तो एंजियोस्पर्म होगा। डिवीजन जो होगा इसका वो क्या है? एंजियोस्पर्मी है। डिवीजन क्या है? कौन से डिवीजन से बिलोंग करता है ये? एंजियोस्पर्मी से बिलोंग करता है। एंजियोस्पर्मी से बिलोंग करेगा क्योंकि फ्लोरिंग प्लांट्स है, फ्लोरिंग एंड सीडेड प्लांट्स है, तो क्या होगा? एंजियोस्पर्म से क्या करेगा ये? बिलोंग करेगा। इसके बाद डिवीजन के बाद हम बात करेंगे क्लास की। तो क्लास क्या बताई मैंने कि ये डाइकोटिलिडन क्लास से ही बिलोंग करता है। डाइकोटिलिडन्स क्लास से क्या करेगा? बिलोंग करेगा। हमने जो पोएसी देखी थी, जो ग्रेमिनी देखी थी हमने, वो सिर्फ मोनोकोटिलिडन क्लास से क्या कर रहा था? बिलोंग कर रहा था। लेकिन सोलेनेसी जो क्लास है, इसकी क्लास कौन सी होगी? डाइकोटिलिडन्स होगी। मींस इसमें टू कोटिलिडन्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। और इसमें जो वेनेशन मिलेगा लीफ में, वो कौन सा मिलेगा? रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा। कौन सा वेनेशन मिलेगा? रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा। मीन्स जाले टाइप लीफ में क्या मिलेगी? जाले टाइप मिलेगा, तो इसमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा। हमने जो लीफ है उसको हम आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि वो कौन सी मोनोकोटिलिडन प्लांट है, कौन सा डाइकोटिलिडन है। तो मोनोकोटिलिडन में हम देख रहे थे वहां पे पैरेलल वेनेशन मिल रहा था, लेकिन जो डाइकोटिलिडन है उसकी लीफ में हमें कैसा मिलेगा? रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा, मीन जाले टाइप वेनेशन मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? डाइकोटिलिडन से बिलोंग करता है। और जो फ्लोर्स होंगे इसमें कैसे होंगे? पेंटामेरस होंगे। डाइकोटिलिडन्स में जो फ्लोर होंगे वो कैसे होंगे? पेंटामेरस होंगे। और इसमें टू कोटिलिडन्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। टू कोटिलिडन्स यहाँ पे क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, तभी तो ये क्या है? डाइकोटिलिडन्स है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सब क्लास की, तो सब क्लास इसमें क्या है? गैमेटोफिटली होगी। सब क्लास इसकी क्या होगी? गैमोफिटली सब क्लास होगी इसकी। तो गैमोफिटली आपको पता है कि गैमोफिटली का मतलब क्या होता है? कि यहाँ पे पीटल्स क्या है? फ्यूज है। पीटल्स फ्री नहीं है, पीटल्स यहाँ पे क्या है? फ्यूज है। अगर पॉलीपिटली होगा तो होता तो पीटल्स यहाँ पे क्या रहते? फ्री रहते। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? गैमोफिटली है। तो मींस इसका मतलब क्या है कि पीटल्स यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें? फ्यूज मिलेंगे। पीटल्स हमें क्या मिलेंगे? फ्यूज मिलेंगे। सब क्लास के बाद हम बात करेंगे सीरीज की। तो सीरीज ये क्या है? सीरीज इसकी क्या होगी? बाइकार्पेलेटी। सीरीज क्या होगी इसकी? बाइकार्पेलेटी। तो बाइकार्पेलेटी अगर इसकी सीरीज होगी, तो बाइकार्पेलेटी का मतलब यहां पे क्या होगा कि टू कार्पल्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। टू कार्पल्स यहां पे प्रेजेंट होंगे। और जो ओवरी होगी, ओवरी क्या होगी स्टूडेंट?
ओवरी इसकी क्या होगी, सुपीरियर होगी। ये आपको ध्यान में रखना, ओवरी सुपीरियर। आपको पता है कि ओवरी कब इंफीरियर होती है कब सुपीरियर होती है, हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लासेस में ही। तो सीरीज इसकी क्या रहेगी, बाई कार्पलेटी रहेगी, मीन्स टू कार्पल्स यहाँ पे क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ओवरी यहाँ पे क्या रहेगी, सुपीरियर रहेगी। और जो ऑर्डर होगा इसका, ऑर्डर जो होगा वो पॉली, जो ऑर्डर होगा इसका वो होगा पॉलीमोनियल्स। जो ऑर्डर है इसका क्या होगा, पॉलीमोनियल्स। ऑर्डर इसका क्या रहेगा स्टूडेंट्स, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर से क्या करेंगे, ये बिलोंग करेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो फैमिली सोलेनेसी, इसको हम डटूरा फैमिली भी बोलते हैं, और इसमें जितने भी वेजिटेबल्स है, जो हम टोमेटो है, पोटेटो है, चिली है, ब्रिंजिल है, वो सब इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी फैमिली से। तो सबसे पहले हम बात डिस्कस कर रहे हैं सिस्टमेटिक पोजीशन को इसके, कि इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। तो फैमिली सोलेनेसी का जो डिवीजन है वो क्या है, एंजियोस्पर्मी है। एंजियोस्पर्म मतलब क्या है, कि ये फ्लोरिंग और सीडेड प्लांट से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये किस में आएंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है कौन, सोलेनेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं। उसके बाद जो क्लास है वो डाइकोटिलेडन से बिलोंग करता है, ध्यान में रखना। हमने सिर्फ जो फैमिली ग्रेमिनी है वो देखा था कि मोनोकोटिलेडन क्लास से बिलोंग करती है, बाकी जो भी हमने पढ़ा है वो सब किससे बिलोंग कर रहा है, डाइकोटिलेडन से बिलोंग करता है। मींस इसमें टू कोटिलेडन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और जो लीफ मिलेगी, अगर लीफ के बेसिस पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा, तो उसमें जो लीफ मिलेगी वो कैसी मिलेगी, रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा। मींस लीफ में एक जालीनुमा संरचना हमें दिखाई देगी, तो उसका मतलब क्या है कि वो डाइकोटिलेडन है। अगर मोनोकोटिलेडन की हम बात करते हैं तो वहां पे पैरेलल वेनेशन हमें दिखाई देता, लेकिन क्लास ये कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा, डाइकोटिलेडन से। इसके बाद मैं बात करता हूं सब क्लास की, तो सब क्लास इसमें क्या है, गैमोपिटेली है। अगर सब क्लास इसमें गैमोपिटेली है तो पिटल्स इसमें क्या है, फ्यूज है। पिटल आपस में क्या रहेंगे, फ्यूज रहेंगे। अगर पॉलीपिटेली कंडीशन होती तो वहां पे पिटल्स क्या रहते, फ्री रहते, लेकिन यहां पे कौन सी कंडीशन है, गैमोपिटेली है, मींस पिटल्स यहां पे क्या है, फ्यूज है। इसके बाद सीरीज की बात करते हैं, तो सीरीज क्या होगा इसमें, बाइकार्पलिटी, मीन्स यहाँ पे दो कार्पल्स क्या होंगे स्टूडेंट, प्रेजेंट रहेंगे। और ओवरी यहाँ पे क्या होगी, सुपीरियर होगी। और आपको पता है ओवरी सुपीरियर क्या होती है, इंफीरियर क्या होती है। ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर से बिलोंग करता है, फैमिली सोलेनेसी के जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं। तो ये इसका सिस्टमेटिक पोजीशन की हमने बात की, कि सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होता है फैमिली सोलेनेसी का। अब हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका कैसा होता है, फैमिली सोलेनेसी का जो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर कहाँ कहाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी बात करते हैं हम। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है फैमिली सोलेनेसी का, इसका जो वो क्या है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है फैमिली सोलेनेसी का। जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी अगर मैं बात करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन, तो वर्ल्ड वाइड इसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है फैमिली सोलेनेसी का। मीन्स जो फैमिली सोलेनेसी है इज फेयरली लार्ज, इज ए फेयरली लार्ज फैमिली है। ये भी ये क्या है, फेयरली लार्ज फैमिली है, इंक्लूडिंग अबाउट 90 जेनरा है इसके अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है, 90 जेनरा है इसके, जो जेनरा आपको ध्यान में रखना है, 90 जेनरा है, एंड 2000 स्पीसीज। स्पीसीज कितनी होगी इसमें, एंड 2000 स्पीसीज है इसके अंदर, 2000 के आसपास क्या है, स्पीसीज है। ऑफ वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, ऑफ वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स वर्ल्ड वाइड इसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। इन टेम्परेट रीजन, ये कहां मिलेंगे हमें मैक्सिमम, टेम्परेट रीजन में मिलेंगे। इन टेम्परेट रीजन कहां पे मिलेंगे, ये टेम्परेट रीजन में मिलेंगे। और एंड वेरी एब्यूडेंट इन, एंड वेरी एब्यूडेंट इन ट्रॉपिकल, कहां मिलते हैं हमें, ट्रॉपिकल कंट्रीज में, कहां मिलेगा हमें, ट्रॉपिकल कंट्रीज में। अब ये देखो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हम बात करें कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है फैमिली सोलेनेसी का। क्योंकि जो वेजिटेबल्स हमने देखी थी कि पोटेटो टोमेटो, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है फैमिली सोलेनेसी का। और ये लार्ज फैमिली है, इसमें क्या है, 90 जेनरा है, और 2000 के आसपास क्या है, इस सोलेनेसी फैमिली में क्या है, स्पीसीज है 2000 के आसपास। और जो है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इन टेम्परेट रीजन में।
कहां पे है ये? टेम्परेट रीजन में, मतलब कि इन्वायरमेंट जहां पे थोड़ा कोल्ड है, इन्वायरमेंट जहां पे थोड़ा कोल्ड है तो वहां पे भी क्या है ये फैमिली सोलेनेसी के मेंबर्स क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। मीन्स इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां पे है? टेम्परेट रीजन में, मतलब कि थोड़ा जहां पे कोल्ड है वहां पे भी इनका क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। एंड वेरी एबिडेंट इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, मीन्स गर्म इन्वायरमेंट जिन देशों में होता है वहां पे भी फैमिली जो सोलेनेसी है वो क्या होती है, उनके मेंबर्स हमें मिलते हैं। एंड वेरी एब्यूडेंट इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, मीन्स जहां पे इन्वायरमेंट थोड़ा गर्म है वहां पे भी फैमिली सोलेनेसी के प्लांट्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है इसका, और जो हमें 90 जनरा मिल रहा है इसके अंदर, 2000 क्या मिल रही है स्पीसीज मिल रही है, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेम्परेट रीजन में है, मीन्स जहां पे इन्वायरमेंट थोड़ा सा कोल्ड है, और उसके बाद अगर ट्रॉपिकल कंट्रीज में भी मिलता है जहां पे इन्वायरमेंट थोड़ा गर्म है वहां पे भी क्या मिलता है, सोलेनेसी प्लांट्स के मेंबर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में हमें इसके मिलेंगे कितने, इंडिया में हमें इसके जो जेनरा है वो हमें कितने जेनरा मिलेंगे, 21 जेनरा मिलेंगे इंडिया में हमें, 21 जेनरा मिलेंगे। एंड 70 स्पीसीज इंडिया में क्या मिलेगी हमें, फैमिली सोलेनेसी की मिलेगी। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इंडिया है उसमें 21 जेनरा हमें मिलता है और 70 स्पीसीज मिलती है किसकी, फैमिली सोलेनेसी की। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है फैमिली सोलेनेसी का वो क्या है, लार्ज है, मींस वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, और यहाँ पे 90 जेनरा मिलेंगे आपको, 2000 स्पीसीज मिलेगी, और यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ पे होगा, टेम्परेट रीजन में होगा, मींस जहाँ पे इन्वायरमेंट थोड़ा कोल्ड है, और वो वेरी एबंडेंट होगा कहाँ पे, ट्रॉपिकल कंट्रीज में, जहाँ पे इन्वायरमेंट थोड़ा गर्म है वहाँ पे भी फैमिली सोलेनेसी के मेंबर पाए जाते हैं। और इंडिया में हमें मिलते हैं 21 जेनरा एंड 70 स्पीसीज, कितने, 21 जेनरा और 70 स्पीसीज। तो ये हमने बात की इसके सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है। अब आगे हम बात करेंगे इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, फ्लोरल कैरेक्टर्स की, इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है, मींस हैबिटेट क्या है, इसका रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है। इसके बाद हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर की बात करेंगे, इनफ्लोरोसेंस की बात करेंगे, इसके मेल और फीमेल पार्ट्स की बात करेंगे फ्लोवर्स के, कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम कैसा है, इसका फ्रूट कैसा है, इसका फ्लोरल फॉर्मूला कैसा है, और इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कैसी है। तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको इतना समझ में आया है। थैंक्स।